बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाज़िया कंवल। और जैसे आज आप सबको पता है कि पीपीएससी का जूलॉजी का लेक्चरर का आज टेस्ट हुआ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का सबका बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, हमारे साथ कनेक्टेड रहे, और बुक्स को भी आपने कंसल्ट किया, और एंड तक आप लोगों ने पढ़ा। तो आंसर की जो है आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, 100 क्वेश्चन की, वन बाय वन उसको देखते हैं। आप उसको जो है वो इसको टैली कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन जो है, इज अमाइनो एसिड, इज अमाइनो एसिड विच इज लॉस्ट इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ए पे मैथियोनिन है, बी पे एलानिन है, सी पे फेनाइल एलानिन है, और डी पे ग्लाइसिन है। तो फेनाइल एलानिन सी ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, लिविंग आर स्केललेस। तो लिविंग हैग फिश जो है वो स्केललेस है, शार्क में भी प्लेकॉइड स्केल होते हैं, बोनी फिशेज में भी स्केल्स हैं, एडवांस स्केल हैं, और स्ट्रेकोडर्म में भी स्केल हैं। तो ए जो हैग फिश है वो इसका ठीक है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन द मेम्ब्रेनस स्केलेटन शीथ सराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वो कौन सी है, वो ए ऑप्शन पे पेरिन्यूरल जो है शीथ है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सराउंड करती है। क्वेश्चन नंबर फोर, कैल्मोड्यूलन साइटोसोलिक प्रोटीन हैज बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम। तो कितनी इसकी है, टू बाइंडिंग साइट है इसकी, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, अ बाइनरी नंबर 11001 हैज द डेसिमल वैल्यू इक्वल टू। तो वो किसके इक्वल है, सी ऑप्शन में जो 99 है वो इसका करेक्ट आंसर है। 4 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, और 128 भी नहीं आएगा। तो 99 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सम मिनरल्स आर नीडेड रिलेटिवली हाई अमाउंट एंड आर कार्ड। क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है इनकी, तो इनको मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, चेंज द नरेशन। The father said, "If you do not work hard, Usman, you will fail." तो इसके ऑप्शन में जो लास्ट का डी ऑप्शन है, the father warned Usman that in case he did not work hard, he would fail. तो ये ऑप्शन इसका जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। तो the father warned Usman that in case he did not work hard, he would fail. क्वेश्चन नंबर एट में स्टेटमेंट है, स्टेप ऑफ एक्शन पोटेंशियल स्टेज इज इनर्जी डिपेंडेंट। तो एक्शन पोटेंशियल की कौन सी स्टेज इनर्जी डिपेंडेंट है, ए पे डीपोलराइजेशन है, बी पे रीपोलराइजेशन है, सी पे एक्शन पोटेंशियल स्टेज है, और डी पे रिफ्रैक्टरी पीरियड है। तो सी तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट में ही एक्शन पोटेंशियल की स्टेज पूछ रहे हैं। तो वो कौन सी स्टेज है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड आएगा इसमें, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नाइन पे है, वर्टिब्रेट फोटो रिसेप्टर रिस्पॉन्स स्टिमुलस। तो कौन सी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं इसमें, जो है ए ऑप्शन जो है डीपोलराइजेशन, तो उसको ये रिस्पॉन्ड करेंगे, ए ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। तो ये इसका सेरिब्रम आएगा, सेरिब्लम नहीं आएगा, ए ऑप्शन नहीं आएगा, बी ऑप्शन में सेरिब्रम है, डी सी पे मेडल्ला ऑब्लंगेटा है, डी पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो सबसे बड़ा सेरिब्रल हेमिस्फेयर यानी सेरिब्रम पोर्शन, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंसेक्ट बिलोंग टू क्लास। बहुत आसान, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ था, डाइवर्सिटी में एक्सोपोडा आएगा, इसका ए ऑप्शन डिप्लोपोडा नहीं आएगा, चिलोपोडा नहीं आएगा, रेक्नाइडा नहीं आएगा, हेक्सोपोडा आएगा। उससे अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी, क्वेश्चन नंबर 12, ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट ग्लूकोज को टू पायरोवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती है। तो ये ग्लूकोज इनटू पायरोवेट, इसका ए ऑप्शन ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी, द यूनिवर्सल ब्लड डोनर फॉर द एबीओ सिस्टम आर टाइप। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, अकर इन यूकैरियोट बट नॉट इन प्रोकैरियोट।
ये एक लिहाज से ये प्रोसेस पूछा हुआ है कि कौन सा प्रोसेस है जो यूकैरियोट में होता है लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं होता। ए पे है एटेन्यूएशन, बी पे है स्प्लाइसिंग, सी पे है माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, डी पे राइबोसोम है। तो वैसे अगर देखा जाए तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए भी प्रोकैरियोट में नहीं है, लेकिन अगर प्रोसेस की बात करें तो हम कहेंगे स्प्लाइसिंग प्रोसेस, क्योंकि है जो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज है जो प्रोकैरियोट में नहीं होती वो यूकैरियोट में होती है। तो बी ऑप्शन इसका जो है वो ठीक है, स्प्लाइसिंग। बी ऑप्शन इसका आएगा। अगला क्वेश्चन 15, हेल्प इन मेंटेन द शेप ऑफ आई। तो आई की शेप जो है वो कौन मेंटेन करता है? विट्रस ह्यूमर, न्यूरोग्लिया ए पे है, बी पे है एक्वस ह्यूमर, सी पे है विट्रस ह्यूमर, डी पे है पेरिकेरियोन। तो सी ऑप्शन जो विट्रस ह्यूमर है वो आई की शेप को जो है वो मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिड पाकिस्तान ज्वाइन इन 1969? तो OIC, तो ये वाला सी ऑप्शन जो इसका ठीक है, तो उसको ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने 1969 में, तो ये इसका सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन एस्थीनोस्फेयर इज द मेजर फैक्टर बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कौन सा मेजर फैक्टर फैक्टर है जो प्लेट्स को मूव करवाता है? ए पे है थिकनेस ऑफ क्रस्ट, बी पे हीट कंडक्शन है, सी पे हीट कन्वेक्शन है, और डी पे टेम्परेचर ऑफ इनर कोर डिफरेंशिएशन। तो इसका टेम्परेचर आएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो तभी हम कहते हैं कि जो इनर कोर का टेम्परेचर ज्यादा होने से प्लेट्स जो है वो मूव करना शुरू करती हैं। तो डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का है, इज द लार्जेस्ट सिंगल काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये वाइल्ड लाइफ में मैंने आप लोगों को करवाया था कि और बहुत सारे काजेज हैं, लेकिन मेजर काज जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। तो इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ए जो है इसका ऑप्शन वो ठीक है। हंटिंग, पोल्यूशन, डिजीज, ये भी काजेज में आते हैं, फैक्टर में है, लेकिन ये माइनर में है, मेजर क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, एमसी कॉन के एगर इज वाइडली यूज्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ। तो ये ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन, ये ए ऑप्शन इसका जो है वो ठीक है, ये आएगा। बाकी ऑप्शन देखें, बैसिलाई है, साल्मोनीला है, या स्टेफाइलोकोकस है, तो वो नहीं है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए ग्राम ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन, इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द फिशेज हैव वेल डेवलप्ड स्टमक एंड द इंटेस्टाइन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ हर्बीवोर ऑफ कंपेरेबल साइज। तो जो हम कहते हैं कि कंपेयर किया हुआ है हर्बीवोर से, तो डेफिनेट ये कार्निवोर या प्रीडेटरी ही होंगी, जिनका स्टमक जो है वेल डेवलप है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, प्रीडेटरी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्स आर एब्सेंट इन क्लास। ये भी मैंने आपको डाइवर्सिटी में करवाया था, जब फाइलम इकाइनोडर्मेटा को हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें जो क्लास इकाइनोइडा है जिसमें सी अर्चन है, सी बिस्किट है, इनमें आर्म्स नहीं होते हैं इनके जो है। बाकी अगर आप देखें, ए पे ऑफियोराइडा है, ये इसमें ब्रिटल स्टार है, एस्ट्राइडा में जो है सी स्टार है, क्राइनोइडा में सी लिलीज है, तो इनमें तो आर्म्स हैं लेकिन इकाइनोइडा में नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्ट एज अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ए पे एवी नोड है, बी पे परकंजी फाइबर है, सी पे एस ए नोड है, डी पे कोनस आर्टरियोसिस है। तो इसका एस ए नोड जो है वो राइट ऑप्शन है, तो ये इसका क्वेश्चन जो है वो ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है? एस ए नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडीज दैट इन्वॉल्व अ सिंगल डोज और एक्सपोजर ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। जो भी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है उसको हम एक्यूट बोलते हैं। तो ये ए पे एक्यूट आएगा, ये सब क्रॉनिक या क्रॉनिक ये नहीं, या ऑब्जर्वेशन पीरियड ये नहीं आएंगे। तो ए ऑप्शन इसका ठीक है 24 क्वेश्चन का। और 25 ये भी बहुत इजी, व्हाट इज द मेन सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब्ड इन द रीजन ऑफ द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लोप ऑफ हेनले। कौन सी चीज है जो डिसेंडिंग लूप में होती है? तो वो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होती है। तो इसका लास्ट जो है वो डी ऑप्शन ठीक है, वाटर, 25 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
The uterine tube terminate in a hollow muscular organ in front of rectum and behind the urinary bladder is called. तो यूट्राइन ट्यूब जो है वो किसमें टर्मिनेट होती है? ये ऑप्शन इसका ठीक है, यूट्रस आएगा, यूट्रस इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है जी, द माइलन शीथ इज डिराइव्ड फ्रॉम. तो इसमें ए पे है माइक्रोग्लिया, बी पे है न्यूरोग्लियल सेल, सी पे श्वान सेल है, डी पे नन ऑफ दीज है. तो श्वान सेल इज अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल. श्वान सेल जो है वो पीएनएस में बनाते हैं जो है माइलन शीथ, और सीएनएस में ओलिगोडेंड्राइट्स बनाते हैं, और ये दोनों सेल्स ही न्यूरोग्लियल सेल हैं. तो हम कह सकते हैं कि इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल आएगा. अगला क्वेश्चन है, मैनी ऑफ द एनिमल व्हेन फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर क्लोनाइज सिमिलर हैबिटेट एक्वायर सिमिलर एडेप्टेशन एंड रिजेंबल विद वन अनदर सुपरफिशियली. ये मैंने आप लोगों को एवोल्यूशन में करवाया था कि जब भी वो ऑर्गेनिज्म जिनके एंसेस्टर बहुत डिफरेंट हो लेकिन वो सेम इन्वायरमेंट को इंजॉय कर रहे हो, तो उनके ऑर्गन जो है दिखने में तो सिमिलर होते हैं लेकिन उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी करती है. ऐसे ऑर्गन को हम एनालॉगस ऑर्गन कहेंगे और ऐसी एवोल्यूशन को हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे. तो ये वैसे ही स्टेटमेंट आई हुई है, तो इसमें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन 27 का डी ऑप्शन जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगट आर द लार्वा ऑफ. मैगट जो है वो हनी बी, सॉरी उसका है क्या, हाउस फ्लाई का, और वो कौन सा उसका ऑर्डर है, डिप्ट्रा ऑर्डर है. तो उसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, डिप्ट्रा. 28 का जो है डिप्ट्रा आएगा, मैगट आर द लार्वा ऑफ डिप्ट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने डाइवर्सिटी में आप लोगों के साथ शेयर किया था. एम्फीबियन विदाउट टेल बिलोंग टू ऑर्डर, जिनकी टेल नहीं होती उन्हें हम ए न्यूरा कहते हैं. ए का मतलब है नहीं, न्यूरा का मतलब है टेल. तो ये डी ऑप्शन जो है इसका ठीक है. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस मोबाइल फोन. तो मोटोरोला बी ऑप्शन इसका ठीक है, ये आएगा. नेक्स्ट है 31st पे, सिल्वर फिशीज ओकेजनली डैमेज, किसको डैमेज करती है? तो बुक बाइंडिंग, इसका सी ऑप्शन ठीक है. और अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पैलेंटोलॉजी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज दैट ऑल कॉन्टिनेंट वर अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट इन पास्ट, कि तमाम कॉन्टिनेंट मिले हुए थे और एक ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बना था जिसको पेंजिया का नाम दिया. तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, 32 का पेंजिया. अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुमेन पोजेस किडनी. ये भी मैंने आपसे शेयर किया था, मेटानेफ्रिक किडनी रखते हैं वुमेन. तो इसका सी ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट है जी, प्लांट स्पीशी हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू लोकल पॉपुलेशन नॉन एज, उसको हम इकोटाइप कहेंगे. डी ऑप्शन इसका ठीक है, इसका इकोटाइप आएगा. नेक्स्ट है, इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साल्ट रेंज इन पोटवार रीजन. तो इसका आएगा सेक्सार हिल, इसका ए ऑप्शन वो ठीक है. अगला क्वेश्चन बहुत इजी, विच प्रॉफिट वाज द सिंबल ऑफ पेशेंस, जिनको सबर का सिंबल बोला गया, साबर बोला गया. तो हजरत अय्यूब अलैहि सलाम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है सी, हजरत अय्यूब अलैहि सलाम. नेक्स्ट, व्हाट शुड कम इन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग. इसका 21 इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन इसका ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन इज, इसका बी ऑप्शन है प्रोटियोमिक्स जो है इसका ठीक है, बी ऑप्शन. अगला है, प्रोमोटर मे एक्टिवेट ऑन्कोजीन बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ
सप्रेसर जीन, तो इसका सी ऑप्शन सप्रेसर जीन आएगा। नेक्स्ट है, विच नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इज द मोस्ट टॉक्सिक एंड प्रोड्यूस्ड ओनली इन इंसेक्ट दैट लिव इन वाटर। वैसे तो बाकी इंसेक्ट जो हैं वो यूरिक एसिड करते हैं, लेकिन हाईली टॉक्सिक जो है वो अमोनिया है, और वो कुछ हम कहते हैं कि जो पानी में रहने वाले इंसेक्ट हैं वो उसको डिस्चार्ज करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, अमोनिया, तो ये इसका आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रिक ईल कैन डिलीवर एंड इलेक्ट्रिक शॉक इन एक्सेस ऑफ 500 वोल्ट, इसका आएगा डी ऑप्शन। अक्सर बुक में 660 है, लेकिन चूंकि ये ऑप्शन में नहीं है, 400 से 500 के में ये जो है फॉल करती है, तो ये इसका 500 वोल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएनए पॉलीमरेज वन ट्रांसक्राइब इन न्यूक्लियोलस, तो राइबोसोमल आरएनए इसका ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो इसका बी ऑप्शन महमूद खान आएगा, इसका इसका डी नहीं आएगा, बल्कि इसका महमूद खान बी ऑप्शन आएगा, इसका ये बी ऑप्शन इसका ठीक है, महमूद खान। अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज मेजर्ड इन, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, लाइन पर मिनट, सी ऑप्शन वो इसका ठीक है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द बिगेस्ट लायर हु अनाउंस्ड द इज प्रॉफिटहुड, तो इसमें बी जो है मुस्लिम कजाब, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका आएगा। अगला क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू अलील इन एन इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर, तो इसका इन ब्रीडिंग सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन, वुमेन आर क्लासिफाइड इन ऑर्डर, बहुत आसान, वुमेन का जो ऑर्डर है वो प्राइमेट है, डाइवर्सिटी से ये है। अगला मैथ से रिलेटेड है, आई स्पेंड 20 आवर टू क्लीन माई गार्डन, मैं अपने गार्डन को जो है वो क्लीन करने के लिए 20 आवर्स लगाती हूँ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ फोर पीपल विद द सेम एफिकेसी कम टू ज्वाइन मी, कि अगर चार लोग मुझे ज्वाइन करते हैं यानी पांच लोग हो जाएंगे तो डेफिनेटली 4 आवर बनेंगे, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोए इन एसिट्रिक एसिड, तो या इस तरह भी पूछ सकते हैं, या फिर पूरे क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन इसका आएगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, बिफोर इंडिपेंडेंस ईस्ट टाइमोर वाज अ पार्ट ऑफ, तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इन डी ऑप्शन इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द कोडान इज द रिडंडेंसी ऑफ द जेनेटिक कोड एग्जिबिटेड एज मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 base pair कोडान कॉम्बिनेशन दैट स्पेसिफाई एन अमीनो एसिड, तो डिजेनरेसी इसका आएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द मोशन कास्ड बाय अर्थक्वेक ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द फोकस इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव, बी ऑप्शन है जी इसका ठीक इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, लिंकिंग ऑफ कैल्शियम विद कैल्मोडुलिन एक्टिवेट इन द कॉन्ट्रेक्शन साइकिल ऑफ स्मूथ मसल, इसमें MLC काइनेज आएगा, ए ऑप्शन। अगला 54 पे है, इम्यूनोलॉजिकल डिस्ट्रक्टिव ऑफ द बॉडी टिश्यू और प्रोडक्ट ड्यू टू द एंटीबॉडी रिएक्टिंग विद इट एज एन एंटीजन इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज, इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल प्रोड्यूस यूरिया, कार्टिलेजनस फिशेज जो हैं वो यूरिया प्रोड्यूस करती हैं, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद 56 पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, डाइवर्सिटी से है, द मेजर सिस्टर फाइला ऑफ आर्थ्रोपोड
आर्थ्रोपोड का जो मेजर सिस्टर फाइला है वो मोलस्का है। हाँ, एनिलिडा भी हम कहते हैं लेकिन मेजर में मोलस्का आता है, तो मोलस्क और आर्थ्रोपोड को सिस्टर फाइला बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट भी करवाया था, तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक है। 57 पे है, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट सिंथेसिस और सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये एडीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन आएगा, बी ऑप्शन ACTH। 58 पे, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, इन मार्सुपियल गेस्टेशन पीरियड वेरीज बिटवीन 8 से 40 डेज, तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। अगला है जी, ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ मोस्ट सोमैटिक टिश्यू, इसका ए ऑप्शन है जी, मोस्ट सोमैटिक टिश्यू, तो ये इसका ठीक है। नेक्स्ट है, आइसोटॉप ऑफ एटम डिफर इन, तो इसका ए ऑप्शन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, फ्लीज आर फीडर ऑफ, 61 पे है, तो ये ब्लड फीडर है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन बड़े आसान थे, इसमें कोई कंफ्यूजिंग चीज नहीं है, तो ब्लड फीडर्स हैं फ्लीज, और ये भी मैंने एवोल्यूशन में आप लोगों के साथ शेयर किया था 62 पे, कि गैलापेगस फिंचेस आर द गुड एग्जांपल ऑफ, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या एडेप्टिव रेडिएशन की बेस्ट एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन में चूंकि अडेप्टिव रेडिएशन है तो ये आएगा। और मैंने ये जो आंसर MCQs बनाए थे तब भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद हो तो, ये जो है एवोल्यूशन से रिलेटेड है। 63 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंसेक्ट, तो बहुत आसान, हनी बी, बी ऑप्शन ठीक है। 64 पे है, आर द एजेंट दैट काज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल कार्सिनोजन है, कैंसर काजिंग, बी ऑप्शन ये इसका ठीक है 64 का। नेक्स्ट है जी, एमनियोटिक एग इज प्रेजेंट इन, एमनियोटिक एग यानी आप लोगों को पता है कि रेप्टाइल से शुरू होते हैं, रेप्टाइल हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, तो फ्रॉग भी नहीं आएगा, फिश भी नहीं आएगा, कॉकरोच भी नहीं आएगा, तो सी टर्टल, बहुत आसान, सी ऑप्शन ही है इसका। अगला है दी, थायराइड ग्लैंड सेक्रीट हार्मोन बिसाइड T3 और T4, T3 और T4 के अलावा क्या खारिज करते हैं जी, कैल्सीटोनन करते हैं, इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला है दी, इनर सरफेस ऑफ एक्टोडर्म हैज अ पॉजिटिव अफिनिटी फॉर, इसका बी ऑप्शन है जी, मीजोडर्मल सेल, और ये भी मैंने करवाया है कि मैड्रीपोराइट इज प्रेजेंट इन, तो ये सी स्टार में यानी इकानोडर्म्स के मेंबर में, तो यहाँ पे सी स्टार आएगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट काइंड ऑफ एरिया आर नोन एज एरिड एरिया, तो जहां पर रेनफॉल सबसे कम है, तो इसका एरिया डेफिशिएंट इन रेनफॉल, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है, मोस्ट मैमल हैव सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, टू सेट है डेफिनेटली डेसिड्यूस है और परमानेंट टीथ है यानी मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ, तो दो सेट हैं इसके। अगला है जी, बायोलॉजिकल एक्टिव हार्मोनल फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कैल्सिट्राइओल, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला है, कॉर्टिसोल इन फ्रेश वाटर इंक्रीज सेल इन फिश गिल्स, तो इसका सी ऑप्शन ठीक है, क्लोराइड आएगा। 73 है, रिसर्चर आर सीकिंग टू इम्प्रूव द जेनेटिक ट्रेट ऑफ द फिश यूज इन एक्वाकल्चर बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, तो इसका सी ऑप्शन है जी, ट्रांसजीनिक, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 74, फीड डाइवर्सिटी से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलस्क, तो ना तो फ्लैट फिश है, ना सिल्वर फिश है, ना स्टार फिश है, मैंने ऐसे कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और वो है कटल फिश, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, इन फीमेल फिशेज एक्सप्रेशन ऑफ FSH इज एसोसिएटेड प्रीडोमिनेंटली विद, तो इसका बी लास्ट वाला ऑप्शन आएगा, बोथ ए एंड बी, वाइटेलोजेनेसिस भी आएगा और रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू ओसाइट जनरेशन ये भी आएगा, तो बोथ ए एंड बी। 76 है, एन एंजाइम कॉल्ड इज फाउंड इन बॉडी फेल्योर हैज एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो इसका ए आएगा, लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम ए जो ए पे है ये करेक्ट है।
नेक्स्ट है जी, टू प्रिवेंट नेचर एंड वाइल्ड लाइफ देयर आर सेवरल एरिया डिक्लेयर्ड जनरली एज, इसको आप नेचुरल यानी ऑप्शन देख लो, प्रोटेक्टेड एरिया है, जू है, नेशनल पार्क्स हैं, गेम रिजर्व्स हैं, तो इन प्रोटेक्टेड एरिया आएगा क्योंकि उसके अंदर जू भी आ जाएंगे, नेशनल पार्क्स भी आ जाएंगे, गेम रिजर्व्स भी आएंगे, और इन्हीं में ही जो है वाइल्ड लाइफ और नेचर को प्रिवेंट किया जाता है। तो ए ऑप्शन ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया, या आप इसको नेशनल पार्क्स अकेला नहीं कहेंगे। तो बहुत सारे बच्चे अगर ये कहेंगे कि नेशनल पार्क्स ठीक है, तो वो ये प्रोटेक्टेड एरिया की टाइप है, तो सभी इसमें आएंगे, यानी प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो कवर करेगा, तो प्रोटेक्टेड एरिया ठीक है। 78 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेड एंड टेल बैक्टीरियोफेज, तो वो लैम्डा फेज आएगा, बी ऑप्शन इसका ठीक है। और 79 पे ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करवाया था कि एस्ट्रस साइकिल जो है, किया था कि एस्ट्रस साइकिल जो है वो किसी का भी पूछ लेते हैं या गेस्टेशन पीरियड पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे रैट एंड माउस हैव एस्ट्रस साइकिल दैट रिपीट एवरी 4 to 5 days, हर 4 या 5 दिन के बाद जो है इनका एस्ट्रस साइकिल रिपीट होता है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। और बहुत आसान, डाइवर्सिटी से इन आर्थ्रोपोड हार्ट इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, तो इनका हार्ट जो है वो डॉर्सल साइड पे है, वेंट्रल साइड पे नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड, बहुत आसान, ट्रांसक्रिप्शन, सी ऑप्शन। और अगला उससे भी आसान, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट एट स्टार्ट कोडान एयूजी, तो ये जो एयूजी है जो कोड करता है मेथियोनीन को। 83 पे यदि वाटसन क्रिक मॉडल सजेस्ट दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, सी आएगा इस ऑप्शन इसका। और अगला है, द कंटिन्यूइंग एंड इंटीमेट एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज आर कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, साइटोकाइंस फॉलो, तो ये पैराक्राइन आएगा, ऑटोक्राइन या इंट्राक्राइन, न्यूरोक्राइन नहीं आएगा, पैराक्राइन है। नेक्स्ट है, सिकल सेल अनीमिया डिजीज इन ह्यूमन इज ड्यू टू, तो मिससेंस म्यूटेशन, ये इसमें आएगा, सी ऑप्शन। उससे अगला है 87 पे, इज फर्स्ट स्टेप इन मैनी डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन है, बी ऑप्शन आएगा। और 88 पे है, द सेंसिटिविटी ऑफ एवियन एयर इज 100 to 15,000 Hg, ये इसका आएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, टीआरएच फॉलो टाइप ऑफ सेल टू सेल सिग्नलिंग, तो ये आएगा ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। नेक्स्ट है, द हिस्टोरिक करेक्टर बिल्ट, ये है जी डीकैप अल्टरडीन, ये स्टेटमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बहरहाल इसका ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, तो हेरिटेज ऑफ जो है ये किस में है, ये साउथ अफ्रीका में, केप टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका। अगला है, स्टेम सेल कैन डिवाइड थ्रू, तो इसका बी ऑप्शन है, माइटोसिस एंड कैन रीन्यू। और 92 का, हयात जावेद इज बायोजियोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खान, हयात जावेद जो है अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी थी, लेकिन किसके बारे में, सर सैयद अहमद खान के बारे में, ए ऑप्शन ठीक है। अगला है 93 पे, एनी अडल्टर्ड एलिमेंट लीक इनटू ग्राउंड फिल्ट्रेशन एंड आर कैरीड इनटू ग्राउंड वाटर रिजर्वर रेजर्वायर इज नॉन एज, तो ये लैंड कंटेमिनेशन है, क्योंकि लैंड कंटेमिनेट होगी तो वो अंडरग्राउंड उसके टॉक्सिक मटेरियल जाएंगे और वो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको वो करेंगे, तो ये लैंड कंटेमिनेशन में आएगा, ये वाटर कंटेमिनेशन में नहीं आएगा। अगला है, विच ऑफ द एनिमल इज कार्निवोर, बहुत आसान, बी ऑप्शन लाइन आएगा। नेक्स्ट है जी 95 पे, ट्रांसजेनिक स्टेम सेल्स आर ग्रोन इन विट्रो, तो पहले इन विट्रो ग्रोन किए जाते हैं, फिर उसको इन विवो किया जाता है,
तो ए ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट है डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय एंजाइम नोन एज डीएनए पॉलीमरेज. डी ऑप्शन इसका ठीक है. और 97 पे इन इंसेक्ट लेयर ऑफ एक्सोस्केलेटन इज अलाइव एंड सेक्रीट द अपर नॉन लिविंग लेयर ऑफ द एक्सोस्केलेटन. तो एपिडर्मस ही है जो ये बाकी लेयर को सेक्रीट करती है. तो इसका डी ऑप्शन जो है एपिडर्मस वो ठीक है. 98 में कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म डू आई हैव टू डू इट. तो इसका ए ऑप्शन ठीक है. ही आस्क्ड इफ ही हैड टू डू दैट. तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है. नेक्स्ट है जी सैरे कोहसार नावल किसकी तसनीफ है. तो ये रतन नाथ सरसार. इसमें ये राशिद अल खैरी पे नहीं आएगा. ये रतन नाथ सरसार बी ऑप्शन जो है रतन नाथ ये इसका ठीक है. और इम्तियाज अली ताज के ड्रामे अनारकली का मरकजी किरदार अनारकली है. और अनारकली का असल नेम जो है यानी उसका जो रियल नेम है वो नादरा बेगम है. तो ये इसका ठीक है. नादरा बेगम बी नहीं है इसमें नादरा बेगम आएगा. तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है. मैं एक दफा फिर आप लोग से यानी दुआ गो हूँ कि आप लोग का बहुत अच्छा अच्छा आपने किया हो और आपको बहुत जो है अच्छे आपने अटेम्प्ट किए हो. अपने सबके लिए बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज.